नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आईबीसी 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आपको बताएंगे कि आज दिन भर मध्य प्रदेश में क्या रहा खास। मध्य प्रदेश में अपराध बढ़े और विपक्ष सरकार पर हमलावर ना हो, भला ऐसे कैसे हो सकता है। खुद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सरकार को आड़े हाथ लिया तो बीजेपी ने भी अपना पक्ष रखा। रीवा के गुड़ में पति के सामने पत्नी के साथ हुए गैंगरेप से एमपी में सियासत भी तेज हो गई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश में जंगल राज होने की बात कही। आज रीवा में एक पति को पेड़ से बांध दिया और पत्नी के साथ बलात्कार किया, ये मोहन यादव जी का जंगल राज है। भारत वर्ष में कहीं उदाहरण नहीं मिलता है कि एक पति को पेड़ से बांधा, उसी के सामने उसकी पत्नी का बलात्कार किया। पटवारी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए सख्त कार्रवाई की बात कही। इस तरह की घटनाएं नहीं होना चाहिए, अगर दुर्भाग्य से कहीं कुछ होता है तो उसको हाईएस्ट लेवल पर उन्होंने इन चीज़ों को कानूनी दायरे में लाकर कठोर से कठोर कार्रवाई का जो मुझे लगता है कि काम किया है, अगर होंगी तो उनको बहुत ताकत से उनको दबाने का काम किया जाएगा। महिला अपराधों पर सियासी आरोप प्रत्यारोप बदस्तूर जारी है, लेकिन अपराध पर रोक लगाने कोई ठोस कदम उठाने के बजाय सिर्फ बयानबाजी हो रही है। करते हैं सियासी हलचल का। बुधनी उपचुनाव में अपनी विजय पताका लहराने के लिए भाजपा ने नामांकन के साथ ही अब चुनावी बिगुल फूंक दिया है। शिवराज सिंह चौहान के उत्तराधिकारी के तौर पर रमाकांत भार्गव की जीत को लेकर बीजेपी के दिग्गजों ने इस दौरान कई दावे किए। बुधनी के सियासी दंगल में शुक्रवार को बीजेपी ने नामांकन के साथ ही अपना शक्ति प्रदर्शन किया। बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत भार्गव के नामांकन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत तमाम दिग्गज शामिल हुए। नामांकन से पहले बीजेपी ने यहां जनसभा और रोड शो कर अपनी ताकत दिखाई। इस दौरान सीएम मोहन और शिवराज ने बीजेपी की ऐतिहासिक जीत का दावा किया। लोकतंत्र के इस महायज्ञ में फिर प्रचंड बहुमत के साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, मेरी अपनी ओर से पुनः बधाई। हम स्वयं हजारों हजार कार्यकर्ताओं के साथ रमाकांत जी का फॉर्म भरवाने आए हैं। जनता के मन में प्रचंड उत्साह है, असीम उत्साह, और ऐतिहासिक वोटों से अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ के रमाकांत जी भारतीय जनता पार्टी की विजय का संकल्प है। केंद्रीय कृषि मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की परंपरागत सीट बुधनी में बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। मध्य प्रदेश में बुधनी और विजयपुर में एक और चुनावी सभा और रैलियों का शोर है तो दूसरी तरफ चुनावी लड़ाई के लिए कांग्रेस और बीजेपी के बीच जवानी बार पलटवार भी शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की जंग में बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों ने मोर्चा संभाल लिया है। विजयपुर और बुधनी को फतेह करने के लिए दोनों दलों ने अपनी अपनी ओर से वादे और दावे शुरू भी कर दिए हैं। कांग्रेस जहां किसान, महिला, अपराध और कर्मचारियों के मुद्दे पर बीजेपी की घेराबंदी करी है, तो वहीं बीजेपी डबल इंजन की सरकार के विकास के आधार पर मैदान में है और कांग्रेस को आड़े हाथों ले रही है। दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी को हारना है। मुद्दे जो हैं वो जनता के जनप्रतिनिधि जो बीजेपी के रहे हैं उनके सामने है और उसके ऊपर कोई काम नहीं किया गया है। भारतीय जनता पार्टी दोनों उपचुनाव लंबे अंतर से जीतने जा रही है। जनता के लिए जो गरीब कल्याण के काम भाजपा ने किए उनका परिणाम निश्चित ही मिलेगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन यहाँ किसका राज तिलक होगा ये तो तभी पता चलेगा जब 13 नवंबर को वोटिंग के बाद 23 नवंबर को ईवीएम का पिटारा खुलेगा। इधर इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव के एक वायरल वीडियो ने इस वक्त तहलका मचा रखा है। वीडियो को लेकर कांग्रेस हमलावर है तो वहीं बीजेपी इस पर डिफेंसिव मोड में नजर आ रही है। तो आखिर ऐसा क्या है इस वीडियो में और क्यों इस पर मचा है बवाल, इस रिपोर्ट से समझिए। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव के वायरल वीडियो को लेकर बवाल मचा हुआ है जिसमें मेयर साहब अधिकारियों को फटकार लगाते साफ सुनाई दे रहे हैं। दिवाली के लिए जो दुकानदारों ने डेकोरेशन किया है वो मत हटाओ, टू व्हीलर फोर व्हीलर खड़ी है तो उनको बोलो पार्किंग में रखो, पुलिस को बोलो उनकी नो पार्किंग का चालान बनाएगा। खजराना जाओ, मुंबई बाजार जाओ, चंदन नगर जाओ ना, आपको सब हमारे बाजार दिखते हैं। वीडियो को लेकर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि ये बीजेपी की दूषित मानसिकता है।
इस वायरल वीडियो पर भाजपा क्या कहेगी ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि पुष्यमित्र भार्गव जो भाजपा के महापौर है वो किस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। वायरल वीडियो पर अब महापौर ने सफाई दी है। और हर साल दुकानों के बाहर साज सज्जा होती है, विशेषकर जो घर के सामान होते हैं उनकी, तो इसलिए त्योहार के समय उसकी छूट है। एक और जहां कांग्रेस महापौर को घेरती नजर आ रही है, तो वही बीजेपी महापौर के सपोर्ट में उतर आई है। कथावाचक धर्म गुरुओं के बयान कई बार समाज को नई दिशा दिखाते हैं, तो कई बार इन बयानों पर सियासत होती है और विवाद भी छिड़ जाते हैं। मध्य प्रदेश की संस्कारधानी से कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर के दिए बयान ने भी मध्य प्रदेश में नया सियासी भूचाल ला दिया है। जबलपुर में दिया गया प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर का एक बयान सुर्खियों में है। उन्होंने कहा कि देश में सोची समझी साजिश के तहत गौहत्या और लव जिहाद हो रहा है। षड्यंत्र के तहत तिरुपति मंदिर के प्रसाद को दूषित किया गया, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि सबका सहकर भी हिंदू चुप है। ये तो सोची समझी रणनीति है हमारी, बच्चियों के खिलाफ ये सब करना, उसके बाद में हमारे धर्म के खिलाफ कुछ भी करना। आप सभी देख रहे हैं गौ हत्याएं भी होती है, अभी षड्यंत्र इस लेवल तक पहुंच गए हैं कि हमारे भगवान के प्रसाद में भी गौ की चर्बी हम सबको खिलाई जा रही है। बहुत बड़ा संत समाज सनातन धर्म संसद करने जा रहा है 16 नवंबर को, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर। देवकी नंदन ने आगे कहा कि सनातन धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए हिंदुओं का एकजुट होना जरूरी है, और अगर हिंदू ही अपने संतों का समर्थन नहीं करेंगे तो एक दिन देश में संतों की भी निर्मम हत्याएं होने लगेंगी। दीपावली को लेकर मध्य प्रदेश के हर शहर में मिठाइयां तैयार हो रही है, लेकिन इन मिठाइयों में मिलावट ना हो इसलिए प्रशासन मुस्तैद है। जगह जगह छापेमारी की जा रही है। प्रशासन ने सागरहट्टा और उज्जैन शहर में दबिश दी और मिलावटी दूषित मावा और मिठाई जब्त किया। ये तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। करीब 2 क्विंटल खराब मावा जब्त किया गया है सागर से। वहीं हट्टा में भी कार्रवाई की गई है। छापेमारी यहां पर करते हुए 183 किलो मिठाई सामग्री जब्त की गई और 300 क्विंटल नकली मावा उज्जैन से जब्त किया गया। इंदौर शहर को कोरोना काल में यमराज बनकर जागरूक करने वाले प्रधान आरक्षक जवाहर सिंह जाधव अब इस दुनिया में नहीं रहे। दरअसल जवाहर गाय की सेवा करते समय करंट की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौत हो गई। उनके साथ गाय की भी मौत हो गई है और पुलिस महकमे में शोक की लहर है। बता दें कि जवाहर ने कार की बोनट पर बैठकर कोरोना महामारी के दौरान शहरवासियों को जागरूक किया था। उन्होंने यमराज बनकर वैक्सीन भी लगवाई थी और वैक्सीन का गलत प्रभाव ना पड़ने को लेकर लोगों को संदेश भी दिया था। और मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आके देखिए हमर बानी हमर गोट श्रवण तंबोली के साथ। नमस्कार।